उत्सवों की नगरी वडोदरा में गणेश उत्सव की धूम देखी जा रही है। यहाँ अलग अलग गणेश पंडालों में काफी खूबसूरत सजावट लोगों को पसंद आ रही है। गुजरात में जगह जगह फैला हुआ भ्रष्टाचार अब सिर्फ लोगों की जुबान पर नहीं, गणेश पंडालों में भी देखने मिल रहा है। वडोदरा के वाघोड़िया रोड पर LBS ग्रुप द्वारा गणेश पंडाल में वडोदरा में आई बाढ़ का डेकोरेशन किया गया है, जहां बाढ़ से हुए लाखों करोड़ रुपए के नुकसान के साथ साथ हनीबोट कांड, राजकोट अग्निकांड, मोरबी ब्रिज कांड समेत के बड़े बड़े हादसों को दर्शाते हुए जनता के साथ हुए अन्याय और भ्रष्टाचार को बयान किया गया है। जैसे यहाँ पे मैंने अभी आके देखा कि भ्रष्टाचारी राक्षस का एक स्टैचू बना है गणपति पंडाल में। तो जैसे अभी हमने देखा कि लास्ट एकाध वीक पहले जो बाढ़ आया था बड़ौदा में, तो उसकी वजह से कई सारे एरिया में पानी भर गया था, और उसमें जो भी कॉरपोरेशन का कोई क्या है वर्क प्रॉपर नहीं हुआ था, जो भी बरसाती पानी का निकाल का व्यवस्था होना चाहिए और पूर के रिगार्डिंग जो भी उसके लिए व्यवस्था होनी चाहिए वो प्रॉपर नहीं था। तो जैसे पानी भरा था तो उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा न्यूज़ में भी कि 2016 में बोट भी, स्पीड बोट का भी उन्होंने परचेस किया था, और 30 से 35 बोट वहाँ पे पड़ी रही थी, तो भी उसका कुछ यूज़ नहीं हुआ। इस साल आपने, आपको पता ही होगा कि न्यू सनराइज स्कूल के हरनी में 15 लोगों की मौत हो गई भ्रष्टाचार के कारण, वही लिया है। और बड़ौदा शहर में, बड़ौदा शहर को डुबाया गया, उसका अभी यहाँ पे थीम लिया हुआ है, क्योंकि बड़ौदा शहर नहीं पूरे गुजरात में भ्रष्टाचार बहुत ही बढ़ चुका है। उसी के कारण राजकोट में अग्निकांड हुआ, मोरबी में ब्रिज कांड हुआ, ये सभी कांड आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार के कारण हुआ है। तो आज हमने श्री जी को यहाँ पे भ्रष्टाचार का वध करने के लिए आमंत्रित किया है, तो श्री जी भ्रष्टाचार राक्षस को, भ्रष्टाचारी राक्षस का वध कर रहे हैं, और साथ ही साथ छोटे छोटे बच्चे जिन्होंने भ्रष्टाचार के कारण बच्चों की मौत हुई, तो बच्चों के साथ भी राक्षस का वध करवा रहे हैं, उसी के फोटोशूट हो रहे हैं। यहाँ पे आप जनता को और यहाँ की लोगों का यही मैसेज करना चाहते हैं कि आप भी थोड़ा जागो और समझो कि भ्रष्टाचार के कारण कितना नुकसान हो रहा है, बड़ौदा शहर डूब चुका है और कितना नुकसान, लोगों का लाखों का नुकसान हो रहा है। तो यही थीम यहाँ पे LBS ग्रुप के तरफ से बनाई गई है। वहीं वडोदरा के राजमहल रोड पर कीर्ति स्तंभ निकट तंबोली पोल युवक मंडल द्वारा बेहद खूबसूरत पंडाल सजाया गया है, जहां गणेश जी के पंडाल में वडोदरा में मनाए जाते त्योहारों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है।
चलिए अब आपको एक और गणेश पंडाल में लेकर चलते हैं, जो फतेहपुरा में श्री बाल युवक मंडल ने बनाया है। पहली बार संस्कारी नगरी में अमरनाथ दादा के लोक दर्शन का भव्य डेकोरेशन देखने मिल रहा है, जिसमें गणपति बाप्पा खुद शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं और भक्त भी शिवलिंग पर जल अभिषेक करने का लाभ ले सकते हैं। बाबा अमरनाथ की गुफा का डेकोरेशन भक्तों में आकर्षण का केंद्र बन रहा है। દર વર્ષે જેમ આ ફેરી બી અમે યુનિક કામ કર્યું છે, અમે બાબા અમરનાથને વડોદરામાં લાવ્યા છે જેથી લોકોને દૂર જવું ના પડે, અહીંયા દર્શન સુખ શાંતિને ફરીને હર ફરીને કરીએ એવું કામ કર્યું છે આપણે આ ફેરી। એટલે આ ફેરી અમરનાથથી અમે ગુફા બનાવી છે, એમાં જેથી ગણપતિ બાપ્પા એમના પિતાને જળ અભિષેક કરી રહ્યા છે। વડોદરાને આપણે મેસેજ આપ્યો છે કે જે અમરનાથમાં લોકો જઈ રહ્યા છે, દૂર જઈ રહ્યા છે, એ આખતા અમે દર્શન કરીએ અહીંયા કરવા માંગે છે કે લોકોને દૂર જવું ના પડે, એટલે આખરી અમે થીમ રાખી કે લોકોને દૂર જતા વડોદરામાં દર્શન મળી જાય એવી અમે